स्वागत है, आप आए हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि भाई कुछ दिन पहले से एक इशू चल रहा था कि सरकार इस बाग को जय हिंद का बाग समझ रही थी और इसको जलियांवाला बाग बनाना चाह रही थी। आज रात करीब 3, 3:30, 4 बजे के आसपास हम चार आदमी यहां सो रहे थे बाग में और 400 पुलिस के साथ अधिकारी थी, एक सविता सुहाग नाम की एक अधिकारी थी और वो आते हैं को बिना कोई नोटिस आके बाग में घुस जाते हैं और सब गहने तोड़ जाते हैं। आप सब देख सको या आप न्यू देख सको हो, जो बेड है ये बेड भी दबा हुआ है, किसी को टाइम नहीं दिया जाता कोई भी। और जब ये पूछा जाता है कि मैडम जी, श्वेता जी, किसने कहा है, क्या कह रही थी, ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश, तो ऊपर से आदेश देने वाला कौन है भाई? ऊपरला तो मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री साहब सुन ले, नवीन जैन नाम है, लाल खून है, पीला खून ना है, युद्ध के भी नियम आ गए। कृष्ण भगवान भी महाभारत का युद्ध होया करता था, सांझ ने बंद कर दिया करता। तड़के 4 बजे पुलिस भेजना, हमास के आतंकवादी थे गया में, ये हमला हमास ने करा है, हमास के आतंकवादियां पर करा है। ये सरकार को मुख्यमंत्री साहब न्यू मानना मारा करे, तोड़ के उजाड़ के मारा तो सरकार उजाड़ा है, और जब 13 घर जनता बाहर काटेगी फेरे वो भी देना होगा। और मेरे तो क्या ही पर्सनल खुंद काट रहा है। अरे एक बात बताओ, इसके ऊपर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट दिखाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी भी सटे है, लेकिन मैडम श्वेता नोली मेरे को क्या लेना देना इससे, मेरे को क्या मतलब है? अरे किसने मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट का? बोले हाई कोर्ट ने डिसीजन दे रखे, हम तो उसको देखेंगे, हाई कोर्ट बड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट। और एक बात उससे ही मान ली, अगर हाई कोर्ट ने दे रखे तो 90 दिन का टाइम मिला, अगर 90 दिन का अपील करने के लिए किसी को, एक महीना भी नहीं हुआ। अरे हिम्मत थी तो कहरा की डालान की क्या जरूरत रात ने? अरे हिम्मत थी मुख्यमंत्री साहब, दिन में भेजता, नोटिस दे के भेजता। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, स्वायल का पानी लिया, ऑर्डर तय करवा सुप्रीम कोर्ट की दमानते नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो इंप्लीमेंट होता नहीं। जय हिंद के पाछे पड़ ले ना, तो जय हिंद मुर्दा है, ध्यान रख लिए। अब बात जब सिद्धम सिद्ध खुंदक की आ रही है, नाशकर्म करा रही है, तो जय हिंद तर रोड पे भी रह लेगा, देखेंगे किसका नाश होना है। नाशकर्म करा है। अरे लोगों सुनो, आज तक कब ऐसा हुआ है कि किसी के घर पे बुलडोजर रात ने 3-4 बजे चल रहा है? अरे ये तो अड़े थे, सोए थे सीधा, ये तो नहीं सोचे को बम बम पड़ गया, सपना सपना आ गया। आजकल युद्ध चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन का, तो भाई ना तो हम हमास के आतंकवादी, ना हम पाकिस्तान के आतंकवादी। अरे मुख्यमंत्री साहब क्या कायराना हरकते हैं। और सुन ले एक बात, मुख्यमंत्री साहब कदे न्यू सोचता हो आकि संकट ने, अरे संघर्ष ने देख के नवीन जैन की आंखों से आंसू निकलेंगे, आग लकड़ेगी नवीन जैन की आख्या था आगे नाश कर दिया, कति सब गहने साफ कर दिया से जानते जा मरवास के नवरात्रा में रे, नवरात्रा में ये पाप तरा इतना तो कंस ने भी निकला हुआ नवरात्रा के भीतर कुछ नहीं देखा, सारे भगवान थे भगवान ना की मूर्ति तोड़ दिया। जब चर्च से पुलिस वाले आ रहे थे
समानता बार दरस कहते भाई मारे हो 20 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, कोई बात ना। बात ये है भाई जी, अखुंदक मेरे ते नहीं थी, जो लोग नहीं माने थे मेरे ते नहीं थी, खुंदक मेरे ते ही थी सारी की सारी। भाई एसवाईएल की पंचायत बुलाई थी आड़े, अरे इनका ये समस्या होगी कि एसवाईएल की बात यो करेगा, यो मुद्दा इंप्लीमेंट इन कराना, पहला सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है पहला काम इंप्लीमेंट कराना पंजाब सरकार का, पंजाब सरकार नहीं कराती है तो दूसरा है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार में इनकी सरकार है राड़ा इनकी सरकार। एसवाईएल की पंचायत होगी, लोगों तक हमें भाई अपील कर रहे हैं, एक सिपाही तय लड़ना कितना बड़ा संकट हो है, हम तो भाई सरकार तय लड़ रहे हैं, और भोलेनाथ की कृपा, भगवान परशुराम की, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ने माननीय आदमी है, उल्टा ना हट जाएंगे कदे इस चक्कर में, जाएंगे उल्टा हट जाएगा, जाएंगे डर जाएगा, और तेरे एक दर्जन तो केस ला रखे हैं, जब उल्टे नहीं हटे तुझे यो घरा पे बुलडोजर चलाओ, तुझे मेरे पे चला दिए, अगला जन्म लेना पड़ा नाश करना था, अगला जन्म भी लूंगा, पर्सनल खुंदक है या पर्सनल खुंदक काटना लग रही है सरकार, इतना बहुत मतलब ठाडा आदमी हो गया कि जाए दे, अगर रात को पुलिस भेजनी पड़े है 400 आदमी, अरे मेरी गल ना 4 आदमी है भाई, 400 पुलिस वाले भेजने पड़े हैं। सरकार को समस्या थी कि इस बाग के अंदर बागी पैदा हो है, बागी जो तुम्हारी सरकारों की चूल अड़ा रहे हैं कति, क्योंकि इस बाग में बुजुर्ग आते हैं पूरे हरियाणा तक, अगर हमारी पेंशन बनवा दो, और उनकी पेंशन के लिए आंदोलन होता है, जहां बुजुर्गों को सरकार का फूफा बनाया जा है, सरकार को यह समस्या है, यहां बेरोजगारों को इनका बटेऊ बनाया जाए इस सरकार का, यह समस्या है, यहां जब ये खिलाड़ियां कोटा खाओ तो सोटा उठे है, ये जब ब्राह्मणों की जमीन नहीं देते तो फरसा उठे है आड़े तय। मैं बार बार कहता रहा मैडम सविता जी, इतनी तड़के 4 बजे उठने का क्या जरूरत थी, इतने कर्मचारी 4 बजे, अरे टाइम है अगर ड्यूटी का वो एक कर लिया करो, इतने प्रोएक्टिव, और किसी की सुने बोले ऊपर से आदेश है, कौन है भाई ऊपर वाला, ऊपर वाला कौन है यो, अरे भाई सीधी बात है लोगो, ध्यान पे सुन लियो, आप आते जाए तो उल्टा हटे नहीं, और ना जाए रो है भाई, किसी का दुख देख के तो रोक सके हैं, लेकिन सरकार हमारी ऐसी तैसी करेगी, केस लावेगी, लठ मारेगी, गोली मारेगी, घर गिरेगी मारे, जैंद रोवे को ना, जैंद की आंखों से आंसू नहीं आग निकलेगी भाई, सीधी बात है, आंसू ना निकड़ा है। अरे एसवाईएल का मुद्दा था पंचायती थार की समस्या हुई भाई, 10 लाख एकड़ जमीन किसाना की बंजर पड़ी है पानी की वजह से, 60% लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, 20 डाल की उनके बीमारी हुए हैं, पीने का पानी नहीं है लोगों का, किसा का कम में बीमारी हो जाए, किसा का कम में बीमारी हो जाए, हमारी माताएं बहने 2-2 किलोमीटर दूर तक पानी ले आए हैं, 18 का पाछा भी बिस्लरी के पानी दे दुआ है, और लोग पीने का पानी तक का नहीं है शुद्ध उनके पास, तो उस पंचायत में भाई क्या समस्या है सरकार ने, क्योंकि दोगली बातें, दोगले दल, दोगले चरित्र हैं, और हम सबको एक्सपोज कर रहे थे, मेरे द्वारा तो कुछ को ना भाई, मेरी गल ना मेरे द्वारा पब्लिक, ना मेरे द्वारा पैसा, ना मेरे द्वारा पाओ कुछ भी नहीं, फिर मेरे ऊपर इतने क्या पाछा लग रहे हो, मैं तो कुछ भी को ना यार, मैं हो सिस्टम हो पैसे वाला हूं, मैं कोई पावर वाला हूं, मैं कोई पद वाला हूं, कोई पब्लिक दिखती हो के है भाई, ये कोई सरकार की जमीन पर कब्जा थोड़ी कर रखा था हमने, एक बुलडोजर लेकर आगे, कोई नशा तस्करी थोड़ी, हम कोई दारू थोड़ी बेचू, मैं दारू का दलाल हूं, अगर मैं सुल्फा बेचू, गांजा बेचू हूं, एक बात मतलब सरकार का एक है बस भाई, घना बोल रहे है, कड़वा बोल रहे है, न्यू करे, अरे क्यों करो भाई, दम है
जगड़ा दे रहे क्या हमारे माँ बापू ने हमारे भाईचारे ने, क्या बोल रहे दम है, सेटिंग कौन है करता मैं, सेटर कौन है मैं। तो सरकार भाई कत्ती चे रोड रोलर के नीचे रगड़ दियो, त्यार हो भाई सारे, हाथ ठा का बताओ त्यार हो सारे, कत्ती रगड़ दिए भाई बेशक। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस देश के अंदर कानून भी कोई चीज होती होगी, अगर कानून कोई चीज है तो 3 महीने का समय तो सबको दिया जाता है भाई, और ऑलरेडी स्टे है इस जमीन पर, ऑलरेडी स्टे सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट दिखा दिए, उसके बावजूद 4 बजे कोई नोटिस नहीं दे रखा, एक भी नोटिस नहीं दे रखा। एक नोटिस दे रखा हो भाई, अगर अपना सामान काट लियो कुछ तक मैं मतलब वो हो, अगर किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं रहे किसी डाल का, रात को आती है जैसे हम आतंकवादी हैं, जैसे हम हमास के आतंकवादी हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, अकित के आतंकवादी हैं, नवरात्रा के दिन चल रहे माता रानी का भंडारा था, 22 अक्टूबर रविवार ने 12 बजे हाड़े माता रानी का भंडारा होगा, और हाड़े एसवाईएल के ऊपर पंचायत होगी। और मैं तो भाई लोगों से कहूं हूं अपने द्वारा नहीं कुछ, जब भगवान परशुराम जयंती मनाई जाती है तो हमारा टेंट तोड़ दिया जाता है रात को, याद करो उस बात ने, हम अपने हक की आवाज उठावे हैं, बेरोजगारों की जब मैं बरात काटूं तो केस कर दिया जाए, बूढ़े की पेंशन ताई इनके फूफा ने जिंदा कराया तो केस कर दिया जाए, जब गाय की आवाज उठाते हैं तो केस कर दिया जाए। के करा भाई, अरे के करा नहीं बताओ भाई हम के मतलब भाई सरकार ने ईसा के हो गया मैं इतना ठाडा हो गया गे, और कोई ना दिखता गे, हाई कोर्ट के कितने डिसीजन ऐसे हैं ऑलरेडी जिनके बहुत बहुत समय हो गए, कौन से इंप्लीमेंट हो गए, अरे तुम एसवाईएल का सुप्रीम कोर्ट का इंप्लीमेंट करवा दो, हम उसको मैडम जी को सविता जी को कहते हैं मैडम, कोई तो टाइम देता है, कोई तो टाइम होगा, वो चुप रहती है, बोला जी ऊपर के आदेश, वो तो ऊपर के आदेश है, ये कसूते ऊपर के आदेश है भाई। तो भाई लोगों से अपील है, पंचायत होगी उस सदन और भंडारा होगा, और जैन तो रोड पर रहेगा भाई, कती कोई प्रॉब्लम नहीं है रोड पे, मारे घर ने तो तोड़ देगा, लेकिन जनता मुख्यमंत्री साहब जनता घर खाली करवाओगी फिर किस जाओगा, हम तक कोई आड़े कौन सा लग्जरी में रहे हैं, हम तो आड़े भी जंगल हम रहे हैं कोबरे हम रहे हैं, ये पेड़ दिखते को ना गए पाले हैं भाई, बड़का ही नाला पाड़ रखे हैं इस बंजर जमीन में, पर ये ना है वो इनका उड़ाला का, पर ये ना पार्क जाकर देखो मीडिया वाले दिखा देख का युग में 20 पेड़ भी लाए, 2 पेड़ भी लाए हो रहे हैं, एक भी पेड़ ला रखा हो इन क्वेश्चन भाई साहब, नवीन जैन तो चिढ़ इन और कोई चिढ़ नहीं, अरे भाई आप ना उल्टे कती उल्टे बार बार दून मारेंगे, बार बार दून मारेंगे, अरे भोलेनाथ ने कह रखी है मर जाइए उल्टा ना हटे कती ना उल्टा हटे, अरे मेरी किसी गल पर्सनल थोड़ी लड़ाई है, सरकार है यार मेरी तो पास है 10 साल सरकार, कांग्रेस की सरकार थी उन गलियां भी लड़ाई थी यार, हम तो लोगों की आवाज था, ये भी इनकी 9 साल हो गए इनकी गलिया, कोई मेरी किसी व्यक्तिगत किसा गलिया है, सरकार गलिया लड़ाई है मेरी तो यार, मेरी तो कोई किसी पार्टी गलिया लड़ाई है, किसी व्यक्ति गलिया लड़ाई थोड़ी है, नीचे पाछे लाग लिया यार, अरे तुम दिन में आ जाते भाई बताओ हम क्या कर लेते, 47 ले रहे हैं हमारे अक्तूब ले रहे थे हमें, अक प्रशासन आवे तुम रात ना 400 पुलिस वाला लेकर आए तड़के आ जाते, क्या प्रॉब्लम थी बताओ, क्या तो डर रहे हो, क्या हो गया ऐसा, मिलने की कहूं मैं मिलने के टाइम नहीं देते, लोगों की समस्या के लिए मुख्यमंत्री साहब तेन कहे मिल ले, मिलने का टाइम नहीं, ऊं दुनिया के बरा किस किस तक मिल ले कोई प्रॉब्लम नहीं, मारते मिलने में भी बुड़के भरू आगे मैं, तो भाई यो देख लो ये ज्यादती ये तानाशाही ये अन्याय, लेकिन कितना कर लिए इंतहा कर लिए, जितनी हो सकती हो ना
जितनी इंतहा हो सकती हो अन्याय की, वाह कर लिया, हम किस मिट्टी के बने हैं और किस खून के बने हैं ना, ये बता देंगे। बात नाशक्रम करा गई है तो जड़मूल तय होगा कि मारा हो जाएगा कि थारा हो जाएगा, सीधी बात है। लेकिन अन्याय तो कति ना सहन करें, गरीबों की आवाज तो ठावेंगे, बूढ़ा की पेंशन, विधवा की, विकलांग की, फैमिली आईडी के नाम पर सारा देश चक्कर काटे, आवाज तो ठावेंगे। सारी का बेरोजगारी, नशा, क्राइम, तो उसकी आवाज तो ठावेंगे। क्यों नहीं ठावें भाई, पाप कर दिया गया, पाप है के आवाज ठाना पाप है के हैं? अरे हमारा चार आदमी मार दो रहे हैं, क्या थेटर रही बे, या बोला ईवीओ एसवाईएल पकड़ लिया, अरे लोग ने जरूरत से पानी की, अरे तुमने इम्प्लीमेंट कराना है भाई, उस पर क्यों ना हंग अलाता मुख्यमंत्री साहब है, उस पर हंग अलाना है, पानी लाओगे हम उन्हें छोड़ देंगे बाघ ना, तुनु कह देवा लिया पानी एसवाईएल, तेरा स्टेट भी छोड़ देंगे, और बताओ लिया करवा इम्प्लीमेंट। तो भाई जो आज आप लोगों ने देखा वो सबके शामी है, और हम तो ये कहें कि ये तो लड़ाई नहीं कह रहे हैं, लड़ाई के भी नियम आ रहे हैं, इतनी भूडी कायरता रहे, इसका मतलब था डर है बहुत घना बड्डा, ये करा हुआ है बता, मन ने ठीक से मन ने कोई ना भी जंगा देगा तो क्या प्रॉब्लम है, रोड पर रह लूंगा, मेरी तो जिंदगी नहीं हुए मठा में, मंदिरा में, हॉस्टला में नहीं कट्टी है, तो इसलिए मैं तो भाई ये बताऊं था। और हम तो वो जो मैडम आई थी ना श्वेता सुहाग जी, वो जो कहती ऊपर वाले नाम तो किसा का उसने बताया को ना, पर ऊपर वाला तो भाई मुख्यमंत्री ने कही होगी, आता है मैडम तो तड़के तड़क 4 बजे आ रही थी, तड़क ऊँ तो उठती नहीं होगी मेरे ख्याल में 4 बजे, लेकिन हाड़े तड़के ड्यूटी देने 4 बजे आ रही थी, चलो उसकी ड्यूटी थी भाई, भी बेचारी के करे वा, तेन कहती मेरी तो ड्यूटी है जी, पुलिस वाला तो किसी तो ना बताया, पुलिस वाले हाड़ा आ गए, यार एक और नोट सुनो मुख्यमंत्री साहब, ध्यान तो सुन लिए, जिन पुलिस वालों को भेज रखा था ना ये ग्रांड ताई, रोम ते जाते हुए पुलिस वाले भी रोए थे ना बेरा होते, तो इस बात का अंदाजा लगा ले, जिसको घर गिराने के लिए भी भेज रहे थे वे भी रोमते गए हटे थे। मुख्यमंत्री आओ रोहतक में, जब नवीन ने बंद कर दो, गृह मंत्री देश का जब जाइंद ने बंद कर दो, प्रदेश का गृह मंत्री आओ जब जाइंद ने बंद कर दो, नाबूद कर दो, मैं तो खुले आसमान में रहने आदमी हूं भाई, जंगल में रहने आए, जंगल है हड़ रह देख लो, मुख्यमंत्री रह देख लो, जब बेरा पार्ट जाते 4 दिन रह लेते, 4 दिन में जब 40 कोबरे ना मिल जाते, बता दिए रह देख ले मुख्यमंत्री, अरे भाई कति ना कटने दे प्लॉट, पेड़ काट के प्लॉट को ना कटने दे, ये हजारों पक्षी है कि जाएंगे भाई, या जो लाखों रुपए की हजार लाखों लीटर जो ऑक्सीजन शहर को देने लग रहा है, बाग तेना करना तो चाहिए था किसान को, सम्मानित कर रहा है इतना बढ़िया, इतनी बंजर जमीन में इतना बढ़िया कर रखा है, इतने लोगों को, हजार लाखों लोगों को, रोहतक शहर के लोगों को ऑक्सीजन मिला है, की था पूरे पूरे उसमें ढूंढ के देख लो भाई, कितने एकड़ में कितने पेड़, कितने बड़े बड़े को आज के पेड़ है को ना काम, एकदम इसने ठाक लाग लगा दिए। तो भाई ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, कोई बात नहीं, हम ना डरते बुलडोजर आते, अपने आने बेशक रोज लिया, ये कोई प्रॉब्लम ना है, लेकिन ये मुख्यमंत्री साहब ये कायराना हरकत है, और हरियाणा के लोगों तो न्यू कह भाई, देखो अपने तो कोई सिस्टम नहीं, जगरा जगरा भाईचारा भोलेनाथ का साथ है, तो भाई लड़ाई लड़े हैं, तुमने ठीक लगता हो ठीक लड़े हैं लड़ाई, तो भाई जो जिस डाला तन से मन से धन से जो हेल्प कर सकता हो वह हेल्प कर दियो भाई, अरना तो कोई बात नहीं भाई, हम तजी से भी हैं अपने आप लड़ लेंगे, उल्टे को नाट नंबर कदे नहीं सोचती सरकार, केस में जेल में इनने मैं डाल लिया भाई, केस इनने मेरे पे कर लिए, इतने आए हफ्ते मेरी तारीख आवे हैं, अरे ई भी हो थारे आगे देख लग रहे हो, तो भाई इसमें तो और मैं के कह सकू, मैंने तो यही बताइए थरते भाई, रात ने जो लेके आए हैं इतना सिस्टम न्यू सोचे हैं, यार न्यू सोचते हो जैन टूट जाएगा, जैन डर जाएगा, तो इस चीज ने तो भूल जाओ, आपा नहीं आपा कत्ती चौपाड़ा में सोनिया आदमी, कत्ती कितने भी जाकर सो लें, कितने भी जाकर रह लेंगे, जनता की आवाज तो न्यू वे उठेगी। अब मैं आप लोगों को, आपका कोई सवाल हो तो आप बता दो, मैं फिर आपको एक बार दिखाऊंगा कि किस तरह इन्होंने तहस नहस कराया है।
नवीन, आप लोगों ने जो दस्तावेज दिखाए, सविता सुहाग ने कहा कि ये दस्तावेज जो है 2010 के आप लोग दिखा रहे हो, लेटेस्ट जो आदेश आया है कोर्ट का उसके आधार पे कोई दस्तावेज आपके पास क्यों नहीं है भाई? 2010 के क्यों, चाहे 1910 के हो, सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज पर स्टे दे रखा है, दे रखा है, डॉक्यूमेंट दिखा दिए, उसमें नाम दिखा दिया, सारी चीज दिखा दी, उसके बावजूद भी अगर नहीं जिए तो हमें, अरे अपना पता तो कर लो, इतना तो टाइम होगा, 90 दिन का तो वैसे भी टाइम हो यार, किसी के पास लीगल बात है तो इसमें तो कोई वो नहीं होती। अरे जब मैं कहने लग रहा भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट रुक के मार मार के मर गया 20 साल तक, अगर हरियाणा का पानी दो भाई, हरियाणा का हक दो, एसवाइल बनाओ, उसे करवा ले लागू, केंद्र में इनकी सरकार है, अरे हरियाणा में है। ये कह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट से हार गए, इन्हीं की मान लो तो 90 दिन तो होते होंगे, 90 दिन भी नहीं, जब सवेता तो पूछे हैं, अग बताओ जी मैडम जी, 90 दिन तो होते होंगे, तो बोलती है कोने वहां, आपने अपील की है 90 दिन अभी तो। अरे अपील 90 दिन का टाइम है, अगर फाइल होया अगर उसमें 90 दिन के में मेरे भाई, 90 दिन में आप अपील कर सको, 1 महीना भी ना होया है। तो अब सरकार की लड़ाई जो नवीन जैन से है, एचएसवीपी विभाग जो अपनी जमीन के ऊपर, अरे एचएसवीपी का के है क्या प्रश्न है, मुख्यमंत्री है उड़े तो घर तक ऑर्डर आवे हैं, जब ऊपर का के मतलब है, या और कौन है भाई, और किसके आए, किसके ऑर्डर आवे हैं, ऐसे के आग लग गया अरे बता, ये पेड़ है यार अड़े, अड़े कोई इसी तो चीज है कोई ना, अड़े बम उगाए जावा है, पेड़ उगाए जाए मेरे भाई, अरे ये पेड़ तो सब दया हवा नहीं होता है, नहीं जाए दिन का सारी ऑक्सीजन ने जाए दिखा जा है, यदि यार पूरे रोहतक में जाओ तब नहीं कि मैं फायदा होता हुआ, एक पेड़ जो है 200 लीटर दे है ऑक्सीजन, एक पेड़ एक दिन में 4000 की दे है, 1000 पेड़ है मेरे भाई, इतनी ऑक्सीजन है इन दल, एक बार चेक कर लेना कितना लगवा रखा होता है, कितना लगा रखा होता है, ये और सेक्टर 20 साल हो गए कह रहे हैं बनाए, सरकार की जमीन नहीं है ये, किसान की जमीन है ये, भूमि अधिग्रहण का मामला है कि जबरदस्ती सरकार इस पर कब्जा करना चाहे है, और इतने बड़े बड़े पेड़, इतने पक्षी, इतना सिस्टम यार, इतने जीव जंतु हैं अड़े, बताओ। तो पंचायत से ठीक 2 दिन पहले इस तरह की कार्रवाई, क्या पंचायत में लाखों की संख्या में लोग आने वाले भाई, आड़ा मार दो रहा हूं, मार दो रहा हूं 4 आदमी से ठीक है, लेकिन मार दो रहा 1 आदमी 1 लाख के बराबर है, इसको सरकार को ये पता है, यहाँ आने वाला कोई, मैं कोई एमपी हूं, एमएलए हूं, मंत्री हूं, कोई पीछे वाला हूं, कोई फैक्ट्री कंपनी ला रहा हूं, क्यों हूं मैं, इसके बावजूद जो हमारे दौराड़ा आदमी आनिया हैं, और जिस तरह से पिछले 2 साल से जिस तरह हम मुद्दे उठा रहे हैं, और वे मुद्दे जो है ये सरकार मुद्दी मन लाग रही, उससे मेरा तो कोई मतलब नहीं यार, मैं तो सब तक हूं, ये बेसवाइल का मामला था यार, मैंने तो सारी पार्टियां तक ही है, सब तक ही है, अपना स्टैंड क्लियर करो, सरकार तो नहीं उतक होंगे ना, इंप्लीमेंट करो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे तो सिलेक्टिव मारा था, होता नहीं मामला भाई, सीधी बात है, लोग आगे वो आवे हैं तो बताओ, लोग आगे जनता की वो आवाज उठावे हैं, तो यार इसमें भाई समस्या किसने है, तो मैं क्या करूं बताओ। जब उन्होंने आपने समय मांगा उनसे 10 दिन का टाइम मांगा, तो आप लोगों ने लिख के दिया क्या 10 दिन वो हमने तो कही, उन तो हमने कही है भाई, तो अपने एक बार चेक कर ले, एक बार अपने डॉक्यूमेंट चेक कर ले, पता तो कर लो एक बार, वो तो दिन हो गया, मीडिया के साथी आ गए, कुछ लोग आ गए, तो अगले बोला भाई हम ठीक है, कोई बात ना, फिर आज ये सब कहने तय सनेस कर जाइयो भाई, कोई बात ना, मारी भी लाश आड़े पड़ी पाऊंगी, हम भी कोने बाजते, और ठीक अभी मैं आपको दिखाऊं, एक बार चालियो भाई, एक बार इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, नवीन जैन जिंदाबाद, नवीन जैन जिंदाबाद, ये देखो भाई आप इसने देखो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और आप गजब की बात देखो, ये तोड़ दिया पूरा, वो पूरा तोड़ दिया, इब न्यू देखो, एक बार न्यू देखियो, इतना भी मौका नहीं दिया, ये बस चेक करो, आप देखो एक बार नीचे सारे,
वे बैड न्यू के न्यू घल रहे हैं। देखो न्यू के न्यू बैड घल रहे हैं भाई साहब। इतना भी ये मौका नहीं आके भाई इब जब चार सौ पुलिस वाले आ रहे थे इन्हें भी ठाकर दरवाजे थे कम से कम है। अरे कायरो अरे दिन दौलिया नहीं दी हिम्मत होती था दिन दौलिया था ना मुख्यमंत्री भेजता अपने सिस्टम ने। ये मारे तो बाहर है भाई ये बाहर रहेंगे देख लियो। मारा कोई फर्क नहीं पड़ता भाई ऊपर कत्ती आसमान के नीचे रह लेंगे मारा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बार फिर दिखा दें ना तो नवा नदी में देख भाई यो सोटा कदे नहीं सोचते हो घबरा जाएंगे घबरावे को ना कत्ती किस है कि थर है तरसूल अर फरसा कोने उल्टे अट्टे हैं नाशकर्म करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नाश में ये भला है और नाश में विकास है ना भाई तो वो भी देख लें कत्ती कोई प्रॉब्लम नहीं है। यो बोले नाथ करा है तरसूल भाई फरसा किधर है पकड़िए यो तो भाई ये मैं तेनू बताऊ हूं और दिखाऊ हूं या बात है उल्टे को ना अट्टा किस भी कीमत पे अगर नु सोचते हो उल्टे हट जाएंगे डर जाएंगे और दिखाऊं देखो ही बाओ। हाँ लो भाई यो देख लो भाई कदे नु सोचो यो धर दिया जब पापी का नाश करना हो तो ये जरूरी है उल्टा को ना अट्टा जाएंगे कती ना अट्टे कदे कोई नु सोचता हो जाएंगे उल्टा हट जाएगा और कदे न्यू सोचता हूं मुख्यमंत्री साहब आग जैंद संकट देख के जैंद की आख्या दासू लगड़ेंगे आग लगड़ेगी आगे जो तो ना वो करके देख लिए देखो भाई तुम ये देख लो एक बार आड़े जब आदमी सुन लाग रहे थे तो उन्होंने लाग गया बम पड़े हैं न्यू सोचे सपना आने लाग रहा है पाँच के ना आए तो पाँच के सबने बुला खड़े जाओ वो है माइक है माइक हाँ भाई देखो सारे भाइयों ने बेरा होगा रात ने जो कायरा ना हरकत हुई है भाई हमास के आतंकवादी हम अरे हमास के आतंकवादी है गे तो या तो हमास ने हमला कर या हमास पे हमला हुआ है क्या मैंने क्या मैं तो बात है भाई हैं या तो हमास पे हमला हो गया या हमास ने हमला करा है इस तरह की कार्रवाई तुमने कदे अपनी जिंदगी में सुनी है अगर रात ने तीन बजे आके बुलडोजर का घर तोड़ा कोई सुनी है कदे भाई आ कार्रवाई करिए लेकिन मैं थारे ते नो बताऊंगा मेरे भाइयों बहुत लोग आगे फोन आने लग रहे हैं बहुत लोग
किता आने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। यो भाई आ रहा है, यो देखे, यो रपिये देगा बुला रखे, इसकी पेंशन ना बढ़ा दी साल पैसे देगा ना बुलाया मना, यो दिव्यांग है बेचारा, अगर हमने फोन करके ना बुला रखा यो। यो हड़े समस्या सरकार को ये थी कि हड़े समस्या लोग लेकर आया करते और वो उससे सरकार ने समस्या होती। ईब अपनी थी पंचायत, अपनी जो एसवाईएल की पंचायत हवा करनी है कि नहीं करनी है नो बताओ। रुक का मारो इतने में ना मानू मैं, दोनों आठा का बताओ करनी है कि नहीं करनी है। अरे एक बात बताओ, हाईकोर्ट का निर्णय लेकर तो ये हाई कोर्ट का नाम लेकर ये बुलडोजर लेकर रात ने 3 बजे आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है आके सवाल का पानी दो, क्यों ना लेकर आता मुख्यमंत्री, दम नहीं है खट्टर साहब है इम्प्लीमेंट। सुप्रीम कोर्ट बड़ा हाई कोर्ट ने बताओ पहला काम, सुप्रीम कोर्ट की दे मानते को ना। जय हिंद के ऊपर इन सिर्फ यो है आके भाई, यो आदमी क्यों बोल रहा है, क्यों आवाज उठा रहा है, इसलिए तेरे भाइयो हाड़ाई बे किसान आने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं है, हम दब्बे पा जाएंगे अपने गंगा जी में, यो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 22 अक्टूबर ने पंचायत में सवाइल पे जो पंचायत है उसमें सारे भाई ना, ना देखो भाई अपने पैसे पैसे है नहीं, तुमने पेरा है, माता रानी का भंडारा लावेंगे, देखेंगे भाई इन्हें जो कुछ करना कर दो, न्यू कौन है उल्टा हट्टा जा। तो पंचायत ही तैयार हो भाई सारे, कति तैयार हो कि नहीं हो, न्यू सोच गया मुख्यमंत्री या सरकार जाएंगे डर जाएगा। अरे हमारा खून लाल है, हमारी गल ना रहनी आगे खून लाल है, पीली ना हो रही, मुर्दे कौन है मुख्यमंत्री साहब, मर्द के बच्चे हैं, कदे न्यू मिलावटी कौन है, कदे न्यू सोचता हो, 1000 नहीं 1 लाख के बराबर एक आदमी है मर्द हो रहे, और कर लेना समनास कोई प्रॉब्लम ना है। भैया एक बात तो है, एक बात की तो बड़ी हुआ भी, मुख्यमंत्री को वैसे धन्यवाद भी देना चाहिए हमने, है ना, अगर रात ने 3 बजे सरकार नु निकाह रख काम नहीं कर रहा था, कती रात तू काम करने लग रही है भाई, बोलो धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब, आपने हमारा घर गिराया, बहुत 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 धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मारे घर ने ते तू सरकार ते बुलडोजरा तिगरा है, और जब तेरा घर या जनता घर तबार का डई फेरे फिर किस जागा, जब तेरे आगे पाछे कौन है ना कि मैं, मारे भी आगे पाछे कौन है कि मैं, सीधी बात है, उल्टे ना टवाई, और कितनी पावर हो जब मुख्यमंत्री नारागा फेरे फेरे अन्याय और अत्याचार है, वो भी नवरात्रा मरे माता रानी के उसमें, भैया हमने तो कढ़ाई चढ़ानी थी 22 तारीख ने, मारी तो बचट गई भाई, हमने तो बचटवा दी, हर भोलेनाथ ने जो मंजूर है, माता रानी ने जो मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम न्यू कहेंगे रोज 3 बजे आ रात ने बिल्डोजर ने लेकर मुख्यमंत्री लेकर रोज। सबसे बड़ा गुंडा बदमाश नवीन जैन, चोर चुक्का कुछ भी मान ले नवीन जैन है, फांसी दौड़वा दे फांसी, कौन है उल्टे हटने हैं, तो भाई सारे ने एसवाईएल के ऊपर पूरी ताकत है, सारे ना आ रही है, जितने भी भाई अड़ा रहे हैं ना ये सारे अपनी वीडियो बना बना के लाइव कर कर का डे तेन दिखाइयो कारगुजारी, एक आधा ऐसा होगा ना तो कदे अपना आप बिल्डोजर लाया कदे आप गिर लिया हो, कई ढाल गए हैं, दिखा दियो एक बार, सरकार आई थी 400 पुलिस आए थे 4 आदमियां ताई, अरो माल कित गया, यो तो यो दबता दबता यो सोनू मलिक मोखरा, यो दबता दबता बच्चा रात ने, यो न्यू सोचा, यो न्यू बोला मानना तो न्यू सोची भाई युद्ध चल रहा है, बोला सपना आ रहा होगा, सपना ना था ये तो हमला था, हमला था जानलेवा हमला, हमास का हमला, पाकिस्तान का हमला किसका था,
या इन तक किसी ने न्यू कह दी होगी हमास के आतंकवादी हवाई अड्डे ये तय बाज के उसमें तो एकदम फिर इन्हें सोची को भूकंप भूकंप आया कि रास्ता आया है, दो मिनट का भी टाइम नहीं दिया। और मैडम श्वेता सुहाग जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप रोज आओ 4 बजे तड़के उठ के, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन न्यू बता देते ना ऊपर वाला आदमी कौन है, तो हमने भी बेरा पाट जाए ऊपर वाला कौन है, तो अपना कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप आने तो पेड़ की तो 4 2 2 गज जगह मांगेंगे, जब भी 1000 2000 आदमी तो है, जब भी मार दो रहते इतनी तो हो जाएगी, दे दोगे कि ना दे दोगे? हाँ 2 2 गज तो आवेगी, इतना तो दे दियो, ठीक है, मंडी तो बनवाए दोगे अपने इसमें है। तो भाई इसलिए मेरे भाइयों ये है कत्ती अपनी फुल तैयारी करके पंचायत नु दिखा, ये हम उल्टे को ना हट, अपने मकसद ते उल्टे को ना हटक, नहीं सोचते ये घर घारा न गिर के और चीजा ना भूल जा आ जाएंगे, को ना भूल रहे कत्ती भी ना भूल रहे, न्यू लड़ाई लड़ेंगे भाई हम, कत्ती पाचे को ना हटे कत्ती ना, तो मेरे आगे पाचे के मैं ना इसके माल के आगे पाचे के मैं आख है कि मैं बड़ा नाश हो गया। तो इसलिए इसलिए कत्ती आप कोई वो मानने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों, जिंदा दिल्ली तक लड़ेंगे, न्यू ईयर लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अरे भाई लड़ाई मेरे द्वारा बीजेपी वाले के फोन आए, बोला नाश कर दिया इसने, तो कति नाश करेगा, तब बीजेपी वाले भाइयों थारी गल रोड़ा को ना सरकार गल रोड़ा है, और कांग्रेस वाले भाइयों थारी गल पहले भी रोड़ा ना था, सरकार गल रोड़ा था, और खट्टर साहब आपकी गल रोड़ा नहीं है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ रोड़ा है, मनोहर लाल खट्टर का हमने कोई मतलब ना है, तो लड़ाई हम उल्टे को ना हटना भाई, सीधी बात है, निष्पक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, किसी पार्टी तो ना कोई लेना ना देना ना हमारा किससे, हक की आवाज है, हक की बात है, अरे हरियाणा का हक है और न्याय की बात है। एस वाइल का पानी इबिया पंचायत तो इतना खतरा हो गया, आगे इतने बुलडोजर चल रहे हैं, तो उस दिन पंचायत में भी ले आइए सारे बुलडोजर, अदर दाब दे सब गहने रगड़ दे, मर लोगे भाई, मान सम्मान स्वाभिमान के बिना जीण दे रोज उड़ना, फिर हम नहीं हटेंगे उल्टे, अरे हमने हर उस आदमी की सपोर्ट चाहिए जो जिगर रखता है, मुर्दा की नहीं मर्दा की सपोर्ट की जरूरत है, मर्दा की हमने को ना 1000 गादड़ा की जरूरत ना है, एक शेर बहुत है भाई, अरे लड़निया होया करना ना, जो सिस्टम तर सरकार तो लड़न वाले उनके जिगरे बहुत बड़े हो, बड़े दिल हो छोटे ना होते, तो इसलिए पंचायत की तैयारी करो, अरे मुख्यमंत्री तो कहे हाँ पंचायत में आ जाने के प्रॉब्लम है, आके बता ने आ जा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए उसते, अरे आड़े देख भी जाइए आड़े पेड़ है कि है कि ना है, वो मैडम ने कह रही थी बोला यहाँ तो कुछ भी नहीं है जी कागजा में, तो कागजा में ना, अरे कागजा में नहीं है तो वो बोला एक कागज पर मोर नहीं लगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा भाई, नुका कागजा में तो कुछ को ना बोला आड़े, सविता जी हमारे को कह रही थी, मैं कह रहा था मैडम ये इतने पेड़ नहीं दिखते, बोले नहीं कागजा में तो है ही नहीं पेड़, अरे कागजा मत नहीं है ऊ तो होंगे दिखते तो होंगे, ये हाल है मेरे भैया, तो कत्ते घबराना नहीं, कत्ते मायूस नहीं होना, कत्ते दुखी नहीं होना, आंख में मैं बताऊं ना पुलिस वाले की आंखें मासू आ रहे थे, अपनी आंखें मासू नहीं आने चाहिए, अपनी आंखें तो आग लकड़नी चाहिए, आंसू नहीं निकलने चाहिए, ध्यान रख लियो, हम देखेंगे भाई कोई बात ना, ये लड़ाई जब लिख रखी है तो लिख रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बोल माता रानी की जय, क्रांतिकारी साथियों की जय, सतीश बिरादरी की जय, जैन भाई की जय।